हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम हेल्दी और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में अपनी फैब इंडिया की कॉटन की कुर्तियाँ कुछ लेके आई हूँ, वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये सभी कुर्तियाँ एम साइज की कुर्तियाँ हैं, प्योर कॉटन की कुर्तियाँ हैं। ये सभी मैंने अपने पास के ही फैब इंडिया के आउटलेट से खरीदी थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं एम साइज की कुर्तियाँ पहनती हूँ और मेरी हाइट जो है वो 5'5½ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैब इंडिया कॉटन कुर्ती का हॉल। तो फर्स्ट है ये मैजेंटा कलर की कुर्ती है। और ये देखिए, इसमें इस तरह से पूरे कपड़े में जैसे खादी कॉटन होता है ना, उस तरह का कॉटन है। और इस तरह से कपड़े में व्हाइट कलर से, बेज कलर से ऐसे लाइंस लाइन पूरे कपड़े में बनी है, मतलब वीविंग में ही है ये। इसी तरह का है पूरा कपड़ा। राउंड नेक है, यहाँ पे इतना सा ओपन है और यहाँ नीचे बटन लगी हैं, लूप लगा है इसमें, इसी कपड़े से ये बटन लगी हैं। और इसकी दो बटन सामने की खुलती हैं। ये शॉर्ट कुर्ती है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में इसी कपड़े की सामने की तरफ पट्टी लगी है। इसी तरह नेक में भी देखिए, ऊपर राउंड नेक में ये पट्टी जैसी लगी है। ये पूरी पट्टी पीछे से लेके नेक में आगे तक और नीचे फिर बटन पट्टी में इस तरह से गई है। स्टिचिंग बहुत अच्छी है फैब इंडिया की, तो वैसे भी आप सभी जानते हैं कि स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। ये शॉर्ट कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ता है, साइड स्लिट दी हुई है और एक साइड में इसमें पॉकेट है। ये कुर्ती मैं वियर कर चुकी हूँ और इसको वॉश कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा कॉटन है, एकदम सॉफ्ट कॉटन है, गर्मी में पहनने में एकदम बहुत कंफर्टेबल रहता है। ये कुर्ती को आप पैंट के साथ, प्लाजो के साथ या पटियाला सलवार के साथ वियर कर सकते हैं। और चाहें तो अगर सलवार पहन रहे हैं तो व्हाइट कलर के, अगर सलवार के साथ व्हाइट कलर का दुपट्टा ले लें तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये थी मेरी फर्स्ट कुर्ती। सेकंड है ये ब्लैक कलर की कुर्ती है। इसका भी कपड़ा वैसे ही है जैसे खादी कॉटन का, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका भी। इसमें राउंड नेक है देखिए, और नेक के में दोनों तरफ से इस तरह से ऊपर की तरफ से व्हाइट कलर के थ्रेड से ऊपर से स्टिच किया हुआ है। और नीचे बटन पट्टी में भी है ऐसे। और देखिए व्हाइट कलर की बटन लगी है इसमें से, सभी बटन ओपन होती है। और पूरे कुर्ते में इस तरह से ब्लैक कलर के कुर्ते में ये व्हाइट कलर से पूरा वीविंग में ही है इसमें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऐसे लाइंस बनी है इससे। इस तरह का प्रिंट है पूरा कुर्ती में, आगे पीछे दोनों तरफ। 3/4 स्लीव्स है, और स्लीव जहाँ पे ज्वाइन होती है वहाँ पे भी देखिए वाइट कलर के थ्रेड से ऊपर से सिलाई दी हुई है दोनों तरफ, ऐसे बैक में नेक में भी है। ये भी शॉर्ट कुर्ती है, दोनों तरफ पॉकेट दिए हैं इसमें, और जो पॉकेट लगा है उसमें ये देखिए ऊपर तरफ से इस तरफ व्हाइट कलर के थर्ड से इस तरह स्टिचिंग दी हुई है, इस तरह की डिजाइन बनी दोनों तरफ पॉकेट के पास, और यहाँ पॉकेट है दोनों इस तरफ भी उस तरफ। ये भी शॉर्ट कुर्ती है, साइड स्लिट दी है। इस कुर्ती को भी आप पैंट के साथ, प्लाजो के साथ या पटियाला सलवार के साथ पहन सकते हैं। बहुत अच्छी कुर्ती है, पहनने में बहुत अच्छी लगती है और गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट कुर्ती। थर्ड है ये मैरून कलर की कुर्ती। इसका भी कपड़ा वैसे ही है खादी कॉटन जैसा, और इसमें देखिए वीविंग में ही इस तरह से मैरून में ऑरेंज कलर का, इसमें मतलब वीविंग में ही है इस तरह का कपड़ा ही है इसका। 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में सामने ये ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगी है। ये नी लेंथ की कुर्ती है,
नहीं, काफ लेंथ की कुर्ती है। और ये देखिए नेक इसका राउंड है, नेक में भी ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगी है, और ये जो नेक में है ये एम्ब्रॉयडरी है, पूरी चेन स्टिच से हैंड एम्ब्रॉयडरी है। ये भी एम साइज की कुर्ती है, देखिए ब्रिक कलर से, ऑरेंज कलर से, धानी कलर से, इसमें ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है। बहन की कुर्ती बहुत सुंदर लगती है, स्ट्रेट कुर्ता है ये भी, इसमें भी दोनों तरफ कुर्ते में पॉकेट दिया हुआ है, इधर भी पॉकेट दिया है, इस तरफ भी पॉकेट दिया है, साइड स्लिट दी हुई है। इस कुर्ती को भी आप पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, लेगिंग के साथ, किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। बैक में पूरी कुर्ती इसी तरह से मैरून कुर्ती है। ये कुर्ती भी बहुत अच्छी है, इसको भी मैं वेयर कर चुकी हूँ और ये वॉश हो चुकी है। बहुत अच्छा कॉटन, इसका एकदम सॉफ्ट कॉटन है। लास्ट है ये ब्लैक कलर की कुर्ती, इसमें भी राउंड नेक है, नीचे छोटा सा वी कट है, और इसमें नेक में देखिए ग्रीन कलर के थ्रेड से, ब्लैक कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये पूरे नेक में है और यहाँ जो वी कट है वहाँ हुई है, और इसमें ये ग्रीन कलर का कपड़ा लगा है, सामने नेक लाइन में ग्रीन कलर से योक बना है पूरा, और इसमें ये बीच बीच में मिरर्स लगे हैं, ये जो ग्रीन कपड़ा लगा है, और ये ब्लैक कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी लाइन लाइन बनी है, और नीचे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है इसमें, देखिए एक ये पैटर्न बना है ऊपर, नीचे ये ग्रीन कलर से बने। पूरी एम्ब्रॉयडरी है, और यहाँ साइड में ब्लैक कलर का कपड़ा है, यहाँ पे उसमें ये ग्रीन कलर से एम्ब्रॉयडरी है, और नीचे स्ट्रेट है कुर्ती, और इसमें सामने की तरफ दो लाइन बनी है इसमें ग्रीन कलर से, ये देखिए थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी सामने की तरफ है, बस 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी जैसे नेक में एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी है, और बीच में एक ऐसा पैटर्न बना है जैसे योक में नीचे पैटर्न बना था, और एक मिरर लगा है ऊपर। दोनों तरफ नीचे पूरी कुर्ती प्लेन है, स्ट्रेट कुर्ती है, ये भी काफ लेंथ की कुर्ती है, साइड स्लिट दिया हुआ है इसमें, बैक में कुर्ती में यहाँ ऊपर की तरफ एक इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है, एक मिरर लगा है, बाकी नीचे कुर्ती पूरी प्लेन है। इस कुर्ती को भी आप पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, लेगिंग के साथ, किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। ये भी वॉश कर चुकी हूँ मैं, इसको वेयर कर चुकी हूँ, सभी कुर्तियों को वेयर करके मैं उसकी बगल में क्लिप लगा दूंगी, तो उससे आपको कुर्ती का लुक समझ में आ जाएगा कि कैसी लगेगी पहन के। तो ये थी मेरी कुर्ती लास्ट फैब इंडिया की, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये फैब इंडिया कुर्ती का हॉल पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है और मेरे सभी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल SS कलेक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।